इंटोनेशन, व्हाट एक्चुअली इज इंटोनेशन? स्पीच में इंटोनेशन जो है, अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी. और इंटोनेशन इज द यूज ऑफ चेंजिंग वोकल पिच टू कन्वे ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन और पर्सनल एटीट्यूड. इंटोनेशन कैन बी यू कैन से राइजिंग एक्शन एंड इट कैन बी यू कैन से फॉलिंग एक्शन. बोथ द थिंग्स आर इंगेज विद दिस इंटोनेशन. आप अमूमन देखते हो कि जब कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो डिजिटल, तो उसमें कुछ बार्स ऊपर नीचे जो है वो जा रही होती है, तो दैट इज यू कैन से आल्सो एक्सप्रेसिंग अबाउट इंटोनेशन. पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन एक्सप्रेसिंग क्वेश्चंस इन स्पोकन इंग्लिश, व्हाट इज योर नेम? तो अब ये जो है दैट इज यू कैन से इंटोनेशन. मोर और लेस अगर मैं इसको जो है वो सादा अल्फाज में आपको समझाऊं कि अगर इंटोनेशन नहीं होगी तो फिर सूरत हाल किस तरह से जाएगी. हम लोग मतलब जो है वो किस तरह से देखेंगे मामलात को. जब हम लोग बात करते हैं इंटोनेशन की, तो असल में कोई भी जुबान आप उठा के देख लें, उसके अंदर ये क्वालिटी एग्जिस्ट करती है. एंड विदाउट Without having this quality, दुनिया की कोई जुबान exist नहीं कर सकती. For example, take the sentence, when does the meeting start? तो अब यहां पर more or less the start including the question mark rise up or comes up in your voice when you utter the word. म्यूजिकलिटी ऑफ द लैंग्वेज की आप बात करें तो इंटोनेशन इज द मेलेडी और म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज. ये डेविड क्रिस्टल का कहना है, ऑथर ऑफ अ लिटिल बुक ऑफ लैंग्वेज. इंटोनेशन रिफर्स टू वे योर वॉइस राइजेस एंड फॉल्स एज यू स्पीक, एज इन इट्स रेनिंग साउंड फॉल कर गई, इज इट साउंड राइज कर गई. सो मोर और लेस वी डू ऑब्जर्व कि इंटोनेशन कैसा रोल प्ले कर. In this sentence, you're not really asking a question. You're telling the listener that it's raining. So you give your speech a telling melody. The pitch level of your voice falls. यानी कि it's raining level जो voice level है वो fall कर गया. And you sound as if you know what are you talking about. And of course, you do so. You are making a statement. But now imagine that you don't know if it's raining, says Crystal. You think there might be a shower outside, but you are unsure, so you ask someone to check. You use the same words, but the musicality of your voice makes a different point as if it's raining, isn't? So, ab bilkul, it's raining. आपने जस्ट किसी को बता रहे हो तो आपकी जो आवाज है वो फॉल कर रही, और इजेंट फिर से राइज कर रही, फॉलिंग राइजिंग टोन. नाउ यू आर आस्किंग द पर्सन, सो यू गिव योर स्पीच एंड आस्किंग मेलोडी, सेज क्रिस्टल. द पिच लेवल ऑफ योर वॉइस राइजेस एंड यू साउंड एज इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. पिच एंड चंकिंग. To understand intonation, it's important to comprehend two of its terms, pitch and chunking. Pitch is the relative highness or lowness of a tone. कि जब आप एक tone को high या low level पर लेके जाते हो, as perceived by the ear, which depends on the number of you can say vibrations per second produced by the vocal cords. एक सेकंड के अंदर मल्टीपल जो है वो वाइब्रेशंस आती हैं,
और ये इसको हम लोग जो वो पिच के साथ एसोसिएट करते हैं. एवरीवन हैज डिफरेंट लेवल ऑफ द पिच इन देयर वॉइस, दो सम आर मोर प्रोन टू हायर पिच, कुछ ज्यादा ऊंची आवाज से बात करते हैं, सम टू लोअर पिच. यू कैन कॉल चेंज आर टिम्बर डिपेंडिंग ऑन हु आर वी टॉकिंग टू एंड व्हाई. अगर हम एक बूढ़े और एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो कि आवाज को सुन नहीं पाता, तो यूजुअली आर पिच विल बी लाउड. लेकिन अगर हम एक कॉमन बंदे से बात कर रहे हैं तो फिर मतलब हमारी पिच जो है वो लोअर्ड. टिम्बर रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस वन वॉइस अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अनदर, और इवन वो यू कैन से वॉल साउंड फ्रॉम अनदर. इट इज डिटरमाइंड बाय द हार्मोनिक्स ऑफ द साउंड. पिच देन रेफर्स टू द म्यूजिकलिटी ऑफ योर वॉइस and how you use the musicality or timbre to convey meaning. Chunking and pausing. Meanwhile, packages information for the listener says the, you can say University of Technology in Sydney, adding the speaker divide speech into chunks. The speaker jo hai wo chunks mein speak divide karta hai, which may be single words or group of words to communicate a thought or idea. To focus on information the speaker thinks is important. UTS gives the following example of chunking. Does it really matter whether people speak with an accent as long as they can be easily understood? The sentence breaks into the following chunks. Does it really matter or whether people speak with the accent? Ab ye itna bada jumla. Does it really matter whether people speak with an accent as long as they can be easily understood? Now you find कि हम मतलब जो है वो जो पास दे रहे हैं ये बुनियादी तौर पर चंक्स हैं, कि हम एक वक्त में मतलब जो है एड एंड पासिंग. मीनवाइल पैकेज इंफॉर्मेशन फॉर द लिसनर, कि हम जितनी बात कर रहे हैं वो आधा हिस्सा पहले अंडरस्टैंड कर ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा. अगर एक हम एक लेंथी जुमला बोल रहे हैं तो इन ईच चंक योर पिच वुड बी स्लाइटली डिफरेंट टू बेटर कन्वे योर मीनिंग टू लिसनर. मतलब सपोज डस इट रियली मैटर whether people speak with an accent as long as you can be easily understood. So, ab agar is sutyal ko dekhein to pehle mein matlab aapki voice aur third mein aur second mein naturally aapki jo pitch hai wo change ho rahi hai. Agar hum log types of intonation ki baat karte hain ki matlab jo intonation ki jo different types hai wo kya hai, तो इस हवाले से एक और इंपॉर्टेंट की पॉइंट अबाउट इंटोनेशन इन्वॉल्व द राइजिंग एंड फॉलिंग योर वॉइस. जस्ट एज इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू कैन से राइज एंड फॉल्स इन इट्स टोन, एज एन अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर क्रिएट्स अ मेलोडी टू कन्वे अ सेंस ऑफ मूड, योर वॉइस राइजेस एंड फॉल्स इन सिमिलर मेलोडिक वे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मीनिंग, जिससे मतलब एक सेंस ऑफ मीनिंग जो है वो सामने आती है. टेक द एग्जांपल फ्रॉम एन आर्टिकल ऑफ रसल बैंक्स इन एन आर्टिकल कॉल्ड एडल्ट्री which was published in April, May 1986, just mein, I mean, what the hell, white? So, ab aap dekhen ki I mean, what the hell, white? Phir isi tarah se, the speaker's voice rises and falls in the separate chunks in two brief sentences. I mean, fall kar gaya, what the hell, rise, white? So, phir rise hai. So, as the speaker says the first chunk, I mean, the voice falls. Then during the second phrase, what the hell, the voice rises, almost like climbing a melodic ladder with each word. The speaker does this to express outrage. वो अपना गुस्सा जो है वो दिखा रहा है. Then with one, the last word, right, the speaker's voice climbs even higher, similar to hitting the elusive high C in music. So this is the most like, you can say, pushing the sentence to the listener, handing it off, if you will, so that the listener will agree with the speaker. So, मतलब जो है वो उसके साथ मतलब उसको agree करने के लिए. So, more or less, जब हम लोग इस सारी situation को हम लोग जो है वो engage करते हैं, तो intonation के हवाले से हमारी जब भी बात होगी, वो usually call कि ये musicality of the language के साथ जो है वो associate. Tone क्या? The tones, level. On the basis of level, the tone is classified under two heads, a high level tone and low level tone. A high level tone is marked with symbol and above in front of the syllable to which it refers. Man, have. A low level tone is marked with a symbol. Isko matlab is symbol ke saath hum log
वो स्ट्रेस के साथ आता है, ये स्लोअर सिंबल के साथ. नाउ बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल इन विच इट प्रेफर्स देम. दिस मार्क्स इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट स्ट्रेस सिलेबल्स आफ्टर अ राइजिंग यूनिट. मूविंग. A falling tone is marked with the symbol in front of the syllable which it refers. The symbol will be above the line for a high falling tone, below in line for a you can say low falling tone. So high falling tone or low falling tone jo hai wo hum log yahan par observe kar sakte hain ki kis tarah se ye tone jo hai wo hame nazar aati hai ki jo hai wo more or less kaise हाई फॉलिंग और लो फॉलिंग टोन जो है वो हमारे सामने किस तरह से जो है वो एग्जिस्ट करती है. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस. अब आप अगर इस एग्जांपल को कोट करें तो वो क्या कहता है, यस यस फॉल कर रहा है, आई डू राइज, फिर इसी तरह से ड्यू टेल. द राइजिंग टोन इज मार्क विद अ सिंबल, तो ये इस सिंबल के साथ मतलब एसोसिएटेड है. इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल टू विच इट प्रेफर्स. The symbol is above the line for a high rising tone and below the line for a low rising tone. अगर मतलब line से नीचे है तो मतलब जो है वो below rising है और ऊपर जा रही है तो high rising. Can you come? Three. तो अब हम लोग देखें can के ऊपर stress है, three के ऊपर. A falling rising tone is marked with a symbol. इस तरह से try. तो अब falling rising tone. फिर इस तरह से sleep. और ये हमें मतलब इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल. अ फॉलिंग टोन इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट्स मेड विदाउट इमोशनल इंप्लिकेशन. आई एम राइटिंग अ बुक. तो अब आप ये क्या करते हो कि फॉलिंग, आई एम राइटिंग अ बुक. तो अब फॉल कर रही है टोन. इन क्वेश्चंस द सेंटेंसेस बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड्स सच एज व्हाट, व्हाई, तो हु डिड इट. तो अब आप देख रहे हो कि राइज से मतलब जो है वो ज्यादा व्हाट हैपेंड. How will you go there? How will you? ये बिल्कुल exactly वही example था जैसे मैं अभी intonation में आपके साथ share कर रहा था. और in commands, don't eat it, finish your work. So in British received pronunciation, a falling tone occurs in a typical intonation contour. The first syllable of the group is said on high level note. कि जो है falling tone को high level note. Thereafter, each successive, you can say, accented syllable is said on slightly lower tone. के आगे आने वाले जितने भी जो हैं वो lower tone पे चले जाते हैं. Until the fall on the last accented syllable, which has the nuclear one. Unaccented syllables before the first accented syllables and after the falling nuclear tone are normally uttered on a low note. Whether the nuclear note takes a high or low fall. Usually depends on the degree of intensity which the speaker imparts to his utterance. A rising tone is used in incomplete utterance upon the first clause of sentence, e.g. When I went there. अब देखिए when इसके ऊपर stress है, when के ऊपर stress है. When I went there, it was dark. Luckily, the snake. Didn't bite me. So in questions which demand an answer yes or no, like can you help me, can you per stress hai. Baki hum log dekh rahe hain ki rising tone ja rahi hai. Is John at home? Are you listening to me? Fir isi tarah se in WH questions which are said in warm friendly way, for example, what's the time, how's your father, when are you coming, or in polite request or encouraging invitation, don't come to our house. Polite request or encouraging invitation, come here please. तो ये सारी की सारी जो tones हैं, ये सारी की सारी intonation के साथ हैं. The falling rising tone. The use of this tone involves a moderately high to low fall. She's clever. और फिर इसी तरह से Your essay is good. So the houses are nice. तो अब ये क्या है, falling
rising tone. This tone is used for special implications, not verbally expressed. The term special implications can include, insinuations, weird, insult, apology, unpleasant news, happiness, reassurance, or doubt on the part of the speaker as to validity of his remark. So, for example, ये example जो है वो जितनी मैंने आपके साथ quote कर